हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। पूनम स्टाइल कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नई रेसिपी, वेजिटेबल मिक्स सब्जी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और झटपट बन के तैयार होती है कम ही समय में। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो हमने एक कढ़ाई लिया है, गैस हमने ऑन कर दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच छोटा चम्मच हम सरसों डालेंगे, मोटा वाला सरसों है, राई, और 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज, एकदम कद्दूकस किया हुआ हम प्याज डालेंगे। उसको अच्छे से हम भून लेंगे प्याज को। इसमें हम साथ में 2 लाल मिर्च हम तोड़ के डाल देंगे, ऐसा सूखा वाला लाल मिर्च। इसमें हमारा प्याज लाल हो गया तो इसमें 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे साथ में। हमने 1 टमाटर को हमने भी इसको फाइन चॉप करके लिया है चॉपर में। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढक के 2 मिनट पका लेंगे टमाटर को अच्छे से। तो देखिए टमाटर हमारा गल गया है, 2 मिनट हो गए हैं। इसको एक बार हम फिर से चला लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हमने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हमने काली मिर्च लिया 1/4 चम्मच। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मसाले को, अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक डालने से मसाला हमारा जल्दी पकता है और जलता नहीं है नीचे। गैस को हम एकदम स्लो करके इसको हम 2 मिनट मसाले को अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट हो गए, देखिए मसाला अच्छा तेल छोड़ने लग गया है। इसको अच्छे से मसाले को फिर से चला लेंगे। इसमें अब हम सब्जी ऐड करेंगे। ये सब्जी हमने हरी मटर, बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। सब्जियां हम डाल देंगे। अब सब्जियों को हम मसाले में अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको चला के, ताकि मसाले सब्जियां एकदम अच्छे से लिपट जाए, मिल जाए। हमें इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला लेना है। देखिए सब्जियां हमारी मसाले में अच्छे से मिल गई हैं, मिक्स हो गया है। तब इसको हम कवर करके 5 मिनट हम अच्छे से पकाएंगे मीडियम टू स्लो आंच पे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो देखिए हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई है, 5 मिनट हो गया है। तो इसको अच्छे से हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो हमने 1 गिलास गर्म पानी हमने गर्म किया था वो हम डाल देंगे। मिक्स करके अब हम इसको कवर करके हम इसको 10 मिनट पकाएंगे स्लो आंच पे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो देखिए सब्जियां हमारी पहले से 99% कुक हो गई है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच छोटा चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। लास्ट में गरम मसाला डालने से सब्जियों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम थोड़ा सा हमने क्रश करके कस्तूरी मेथी हम डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैं लास्ट में कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर बना रहे। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट और अच्छे से हम पका लेंगे स्लो आंच पे। तो देखिए सब्जियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। हमारी चटपटी मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनके तैयार है। इसको हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। इसको आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आपके घर में सब्जियां नहीं है, समझ में नहीं आए तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं तो मिक्स करके आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें,
हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक